हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंटी किचन। अगर आप भी मेरी तरह मैदा का खास्ता बनाना चाहते हो या फिर छठ पर्व में ठेकुआ, तो आप काफ़ी ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिए। मैंने एक डीप बर्तन लिया है। अब मैं इसमें लगभग हाफ किलो के करीब में मैदा लूँगी। मैदा को मैंने छलनी से छान के पहले ही साफ़ करके रख लिया था। अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स खास्ता के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो मैं इसमें ड्राई कोकोनट लूँगी, जिसे मैंने पहले से कद्दूकस करके रख लिया था। अब मैं थोड़ा किशमिश लूँगी। किशमिश को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखा है। थोड़ा मैं बादाम लूँगी। बादाम को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखा है। और साथ ही लूँगी थोड़ा सौंफ, क्योंकि सौंफ से खास्ता का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। चीनी को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पहले से पीस के पाउडर बना लिया था। मैं इन सारी चीज़ों को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। और जिस तरीके से मैं ये खास्ता बना रही हूँ, ये काफ़ी ही टेस्टी और काफ़ी ही क्रिस्पी बनेंगे। मैंने एक तड़का पैन में रिफाइन ऑयल पहले से गर्म करके रखा था। अब मैं उसे मैदा में डालूँगी। हमें ऑयल को गर्म करके ही डालना है, ठंडा ऑयल नहीं डालना है, नहीं तो खास्ता का स्वाद अच्छा नहीं आएगा। ऑयल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे मैदा में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी ताकि मैदा और ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप चाहे तो ऑयल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। देखिए, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसे इतने अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें एक डो के आकार का लोई बन जाए। मैदा और ऑयल को सही तरीके से हमें मिक्स करना है। इसे इस तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें डो बनना शुरू हो जाए। हम मैदा को जितना अच्छा से मसलेंगे, हमारा खास्ता उतना ही अच्छा और क्रिस्पी बनेगा। अब मैं इसे दोनों हाथों से मसल मसल के मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि जितना अच्छे से मैदा को हम मसलेंगे, उतना ही अच्छा ये खास्ता तैयार होगा। देखिए, इसमें डो के आकार बनना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें हल्का गुनगुना दूध थोड़ा ऐड करूँगी और मैदा और दूध को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें एक डो तैयार हो जाए। आप चाहे तो इसमें पानी भी ले सकते हैं। इसे मैं अच्छे से मसलूँगी। मैं इसमें और थोड़ा दूध ऐड करूँगी और मैदा और दूध को सही से मैं मिक्स कर लेती हूँ। हम जैसे रोटी बनाते हैं तो आटा का जैसा डो बनाते हैं, उस तरीके से हमें नहीं गीला करना है। हमें मैदा को टाइट ही रखना है ताकि इस तरीके से ये डो बनना शुरू हो जाए। देखिए, मैदा कितने अच्छे से सन चुका है। अब मैं इसे दोनों हाथों से अच्छे से मसल देती हूँ ताकि मैदे में सॉफ्टनेस आ जाए। देखिए, मैदा में डो बनना शुरू हो गया है। खास्ता बनाने के लिए हमें जैसे मैदे की डो की ज़रूरत थी, ये बिल्कुल वैसा ही परफेक्ट बना है। इस मैदे के डो से जो खास्ता बनेगा, वह बिल्कुल ही क्रिस्पी और टेस्टी होगा। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट ढककर रख देती हूँ ताकि इसमें सॉफ्टनेस आ जाए। A few moments later. देखिए, मैदा कितना सॉफ्ट हो गया है। इसमें डो बनना शुरू हो गया है। अब मैं इसे छोटे छोटे डो बना के तैयार कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसका डो छोटा भी बना सकते हैं और बड़ा भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। देखिए, मैंने हाफ किलो मैदा से कितने सारे डो तैयार कर लिए। अब मैं इन डो से खास्ता बनाना शुरू करती हूँ। देखिए, मैंने एक डो ले लिया है और इसे हाथों से मैं हल्का दबा देती हूँ। ये खास्ता बन गया।
इसी तरीके से मैं एक डो और लूँगी और उसे हाथों से अच्छे से दबा देती हूँ। अगर ये साइड में फट जाए तो थोड़ा इसे दबा दीजिएगा। अब मैं एक और तरीके से आपको बताती हूँ। मैंने इस डो को लंबे आकार में ले लिया है और इसे हाथों से दबा देती हूँ। देखिए ये लंबे शेप में बन गया है। अब मैं इसमें एक डिज़ाइन देती हूँ। मैं एक कटोरी ले लूँगी और उसमें इस तरीके से हल्का हल्का प्रेशर देती हूँ। देखिए इसमें डिज़ाइन आ गए हैं। इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए एक खास्ता का या फिर ठेकुआ का सांचा आता है जिससे हम आसानी से डिज़ाइन दे सकते हैं, लेकिन मैं कटोरी से डिज़ाइन बताऊंगी। इसे मैं हल्के हल्के से दबा देती हूँ। देखिए कितनी अच्छे से इसमें डिज़ाइन उभर के आ गया है। हमने गैस में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं खास्ता को इस तेल में डाल के फ्राई करती हूँ। हमें गैस का फ्लेम लो से मीडियम रखना है। देखिए एक बार में लगभग 8-10 खास्ता मैंने डाल दिया है। अब मैं इसे हल्के आंच में अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। खास्ता हल्का ब्राउन हो गया है। मैं इसे दूसरी साइड पलट देती हूँ। ये बनने के बाद इतना क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। और आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर बॉक्स में आसानी से स्टोर करके काफ़ी दिन तक रख सकते हैं। छठ पर्व के समय जब ठेकुआ बनाया जाता है वह बिल्कुल इसी तरीके से बनता है, लेकिन वो गेहूं के आटा और मीठा से बनाया जाता है। देखिए खास्ता में कितना सुंदर कलर आ गया है। अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से बाकी सभी डो को मैं तेल में फ्राई कर लूँगी। हमारा मैदा से बना खास्ता बिल्कुल तैयार है, जो काफ़ी ही क्रिस्पी बने हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।